हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोनेटा। सो हियर अगेन वी आर हियर विद अनदर वीडियो लेक्चर विद फाइलम पॉलीफेरा। सो इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द लिविंग वर्ल्ड। टुडे वी आर बिगनिंग विद फाइलम पॉलीफेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलम पॉलीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको बेसिकली स्पॉन्जेस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मराइन विच मीन्स दे आर मोस्टली लिव इन ओशियन, समुद्र के पानी में, है ना। और इनकी जो सिमेट्री होती है, बॉडी की जो सिमेट्री है, ना ही बायलेटरल है ना ही रेडियल है, ये बिल्कुल ही इरेगुलर शेप के होते हैं। तो इनकी सिमेट्री जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये बहुत ही पुराने हैं और इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर है, विच मीन्स बहुत सारे सेल से कंपोज है, ठीक है ना। और इनमें अपेंडेजेस, इनके स्किन पे, इनके बॉडी सरफेस पे, अपर सरफेस पे सेगमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते। और नो प्रॉपर सेफलाइजेशन, विच मीन्स इनके पास हेड फॉर्मेशन नहीं है, इनके पास हेड नहीं है, और इनके पास नर्वस सिस्टम भी मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अब इनके पास है स्पॉन्जेस जो होते हैं, इनके पास है वाटर कैनाल सिस्टम, यानी कि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। तो इनके पास चलता है कैनाल सिस्टम, जिनके इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। उन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया, जो कि बहुत सारे ओस्टिया जो होते हैं बॉडी, वो कंपोज करते हैं एक बॉडी कैविटी को, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिससे कि वाटर एंट्री होके वहां पे आएगा, ठीक है। विच ओपन टू द आउटसाइड बाय लार्ज पोर कॉल्ड ऑस्क्युलम, ठीक है। यानी कि इस ऑस्टिया से वाटर जो होता है एंट्री करता है और ऑस्क्युलम से क्या होता है एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर जिससे एंट्री हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, और वाटर जिससे एग्जिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्क्युलम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्स जिससे कि वाटर एंट्री हो रहा है, पाइक्यूल, स्पॉन्जोसील कैविटी, दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स, ठीक है ना। और ये वाटर का फ्लो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से वाटर की एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है, ठीक है। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। तो बेसिकली ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इससे बेसिकली होता क्या है, इससे फूड को कैप्चर किया जाता है, फूड को गैदर किया जाता है, और रेस्पिरेशन को भी परफॉर्म किया जाता है, और बॉडी में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट बन रहे हैं उसका भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो आपने ये कोएनोसाइट्स देखा, ठीक है ना, ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, दीज कोएनोसाइट्स और कोलर सेल्स, ये स्पॉन्जेसील से अटैच होते हैं, जो बॉडी कैविटी है, जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, उनसे वो अटैच होते हैं, ठीक है ना। और इनका जो डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रा सेलुलर, विच मीन्स सेल के इनसाइड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कैल्शियम से बना हुआ बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इनकी जो बॉडी का जो स्केल्टन है वो स्पाइक्यूल से बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है, इन्हें इसलिए हर्मोफ्रोडाइट कहा जाता है, ठीक है। यहां पे एग्स और स्पर्म सेम इंडिविजुअल से ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जहां बॉडी फ्रेगमेंट होती है, डिफरेंट पार्ट में बनती है, ठीक है ना। और सेक्सुअली होते हैं सिंपली अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन करके, ठीक है। और जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइम्युला, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज के द्वारा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट होता है थोड़ा एडल्ट से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, साइकॉन, जिसे कॉमन लैंग्वेज में स्काइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला, जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है, ठीक है, और यू स्पॉन्जिया, इसे हम लोग बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। तो पुराने जमाना में नहाने वगैरह के लिए बाथ स्पॉन्ज यानी कि यू स्पॉन्जिया का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।